दोस्तों आज हम एक ऐसी जगह की बात करने जा रहे हैं जहां आस्था और अद्भुत शक्तियों का संगम होता है। एक ऐसी जगह जो न सिर्फ भारत के हर कोने से बल्कि दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। इस स्थल की महिमा ऐसी है कि यहां आने के लिए इंसान पहाड़ों की कठिन चढ़ाई, थकावट और तनाव सब कुछ भूल जाता है। ये कहानी है माता वैष्णो देवी के मंदिर की, जहां हर भक्त अपनी श्रद्धा, विश्वास और विनती लेकर पहुंचता है और यहां आकर हर मनोकामना पूरी होती है। यहां का प्रत्येक कोना, प्रत्येक कदम एक पौराणिक रहस्य को छुपाए हुए है। तो चलिए आज हम उस गुफा तक का सफर करते हैं जहां माता वैष्णो देवी अपने दिव्य रूप में विराजमान है और जहां हर पथिक को मिलता है शांति, सुख और उन्नति का आशीर्वाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा नामक छोटे से शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रिकुट पर्वत की चोटी पर स्थित है। दोस्तों ये जो मंदिर है ये लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि अपने आप में काफी ऊंचाई पर है, और यहां पहुंचने के लिए भक्तों को एक कठिन यात्रा का सामना करना पड़ता है। त्रिकुट पर्वत जो 3 शिखरों से मिलकर बना हुआ है, हिंदू धर्म में एक अति स्थल माना जाता है। यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है, जहां से भक्तों को 12 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है, वो भी पैदल। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन माता के दर्शन की आस्था हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देती है। यात्रा के रास्ते में कई सुविधाएं भी उपलब्ध है, जैसे कि खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर सेवा, जो आपको सीधा भवन तक पहुंचा सकती है। लेकिन जो सुख रास्ते में पैदल चल के मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। रास्ते में चलते समय आपको हरियाली से घिरे पहाड़ मिलेंगे, मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवाओं की सुखद एहसास भी होगा। ये यात्रा सिर्फ शारीरिक कि नहीं अंतर आत्मिक भी है, जो कि एक इंसान के कदम कदम पर भक्ति का अनुभव कराती है और उसको अंदर तक साफ कर देती है। मंदिर के रास्ते में कई छोटे मंदिर भी हैं जो भक्तों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन जाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर की कहानी प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी, जो कि आदिशक्ति का एक रूप है, उन्होंने त्रिकुट पर्वत पर तपस्या की थी। कहानी के अनुसार माता वैष्णवी एक तपस्विनी के रूप में प्रकट हुई थी, जो विष्णु भगवान की भक्त थी। उनका जन्म मानवता की भलाई के लिए हुआ था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोक कल्याण में लगा दी थी। माता वैष्णो देवी की यात्रा भैरवनाथ के किस्से के बिना अधूरी है। कहा जाता है कि भैरवनाथ, जो एक तांत्रिक था, उसने माता को तपस्या करते हुए देखा और उनके रूप और शक्ति से आकर्षित होकर उनका पीछा किया। माता भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुट पर्वत के अंदर एक गुफा में प्रवेश कर गई। जब भैरवनाथ ने माता को परेशान किया तो माता ने अपनी शक्ति रूप का प्रदर्शन किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ की अंतिम इच्छा थी कि माता उसे मोक्ष प्रदान करें और माता ने उसे वरदान दिया कि उनके मंदिर के दर्शन भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन के बिना अधूरे माने जाएंगे। ये गुफा जहां माता वैष्णो देवी विराजमान है प्राचीन काल से एक पवित्र स्थान है, जहां भक्तों का विश्वास है कि माता खुद अपनी आत्मा से यहां प्रकट हुई हैं। ये गुफा अपने अद्भुत प्राकृतिक रूप से भी जानी जाती है। गुफा में प्रवेश होते ही एक अलग ही शांति और दिव्यता का एहसास होता है। कहा जाता है कि श्रीधर नाम के एक ब्राह्मण को माता ने अपने स्वप्न में आकर दर्शन दिए थे और उनसे कहा था कि वो इस गुफा में प्रकट हो चुकी हैं। इस गुफा की खोज और इसमें माता की स्थापना एक अद्भुत रहस्य है, जो आज भी यहां आने वाले हर भक्त को प्रेरणा देती है। माता का मुख्य केंद्र है पवित्र गुफा, जहां माता वैष्णो देवी के 3 प्राचीन पिंडियों का दर्शन होता है। ये गुफा लगभग 98 फीट लंबी है और यहाँ प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा दरवाजा है, जिससे गुजरना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। हर कोई इस दरवाजे से नहीं गुजर सकता। गुफा के अंदर प्रवेश करने पर माता के 3 रूप, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप स्वरूप में प्रकट होते हैं, जो 3 पिंडियों के रूप में स्थापित है। ये पिंडियां मानव कार्य नहीं है बल्कि स्वयंभू, यानी कि स्वयं प्रकट हुई थी, जो इस स्थल को और भी ज्यादा अद्भुत और पवित्र बनाती है। गुफा के अंदर एक सुंदर और शांत माहौल है, जहां माता की शक्ति का स्पष्ट अनुभव होता है, जो इस मंदिर की असली को प्रकट करती है। गुफा के अंदर एक पावन धारा भी बहती है, जिसे चरण गंगा कहा जाता है। ये जल धारा हर भक्त को पवित्रता और शुद्धि का एहसास दिलाती है। इस जल को पाने से शारीरिक और आत्मिक शुद्धि होती है और इसमें नहाकर या फिर इस पावन जल को छूकर अपने सारे पापों को आदमी दूर कर सकता है। गुफा के अंदर मौसम भी काफी ज्यादा एक अजीब चमत्कार है, क्योंकि यहां का तापमान सदैव समान ही रहता है। चाहे गुफा के बाहर जितनी भी गर्मी हो या ठंड हो, गुफा के अंदर एक शीतल और सुखद माहौल बना रहता है, जो कि स्थल को और भी ज्यादा अद्भुत बनाता है। वैष्णो देवी के मंदिर में किसी प्रतिष्ठित मूर्ति का दर्शन नहीं होता, बल्कि यहाँ प्रकट पिंडियों के रूप में माता के 3 रूप विराजमान हैं। इन 3 पिंडियों को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में माना जाता है। महाकाली अद्भुत शक्ति का रूप है, जो अंधकार और बुराई का विनाश करती है। महालक्ष्मी धन और संपन्नता की देवी है, जो भक्तों को उन्नति का आशीर्वाद देती है। महासरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है, जो भक्तों को बुद्धि और प्रगति का मार्ग प्रदान करती है। ये 3 रूप देवी के 3 महान पहलू है, जो एक साथ यहाँ विराजित है और इन्हें मिलकर ही वैष्णो देवी कहा जाता है। पिंडियों के सामने पूजा, आरती और भक्ति करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन रूपों में माता स्वयं प्रकट हुई है, जिनका कोई शिल्प या प्रतिष्ठा नहीं हुई है, जो इस मंदिर को अन्य मंदिरों से काफी ज्यादा अलग और पवित्र बनाता है। यहाँ की शक्ति का अनुभव सभी भक्तों को अलग ही प्रकार से होता है और यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपने आप को एक अलग ही तौर पर माता की शरण में महसूस करता है। वैष्णो देवी को हिंदू धर्म में एक महान स्थान प्राप्त है। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ आस्था और शक्ति का मिलन होता है। हिंदू धर्म के अनुसार माता वैष्णो देवी शक्ति का ही एक रूप है, जो समस्त संसार के दुखों और कष्टों को दूर कर
करती हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा और आरती का आयोजन होता है जिसमें लाखों भक्त भाग लेते हैं। ये मान्यता है कि नवरात्रि के समय यहाँ की शक्ति अपने चरम पर होती है और माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये सर्वोत्तम समय होता है। माता वैष्णो देवी की कहानी भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के समर्थन के साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने समस्त जगत के कल्याण के लिए एक देवी के रूप में जन्म लिया था। ये मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण का केंद्र भी है, जहाँ भक्तों को अपने आत्मा के सबसे करीब होने का अनुभव होता है। माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े कई चमत्कार और रहस्य हैं। कहते हैं कि यहाँ आने वाले हर भक्ति मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के अंदर किसी भी विद्युत प्रकाश का उपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी मंदिर और गुफा के अंदर सदैव रोशनी बनी रहती है, चाहे रात का समय हो चाहे दिन का समय हो। यहाँ की पवित्र हवा, शीतल जल और आशीर्वाद का अनुभव अलग ही होता है। कहा जाता है कि यहाँ के कंकड़ भी शंकर के समान है और इसीलिए हर एक छोटी चीज यहाँ पे पवित्र और आशीर्वादित मानी जाती है। एक और अजीब चमत्कार ये है कि मंदिर में चढ़ाई के बावजूद भी यहाँ कोई चींटी या मच्छर नहीं दिखता। आप इतनी ऊंचाई पे चढ़ाई करते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी चींटी या मच्छर या फिर कोई कीड़ा भी नहीं दिखता, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। मंदिर के अंदर और गुफा में किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट या फिर जीव जंतु नहीं दिखाई देता, जो एक अलग ही प्रकार की पवित्रता को दर्शाता है। वैष्णो देवी का सफर हर भक्त के लिए एक नई प्रेरणा और एक अनुभव है जो भक्त जिंदगी भर याद रखता है। तो दोस्तों यही थी कहानी माता वैष्णो देवी के पावन दरबार की। क्या आपने कभी माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए हर महादेव, जय श्री राम और जय माता दी।